वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। बीते दिन ही मुंबई में मतदान हुआ है। बॉलीवुड के कई सितारों ने कल मतदान किया। मुंबई की 6 संसदीय सीटों पर चुनाव हुआ है। कई स्टार्स ने सुबह से ही जमकर वोट किया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें आई हैं, जिनमें साफ नजर आया है कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और रणवीर सिंह समेत कई स्टार्स ने वोटिंग की है। वहीं इन सब में से अगर कोई वोट डालने नहीं गया तो वो थे खिलाड़ी कुमार। अक्षय ने कल वोट ही नहीं डाला है। इसके पीछे एक खास वजह ये है कि अक्षय कुमार के पास भारतीय नागरिकता है ही नहीं। अक्षय को कनाडा की नागरिकता मिली हुई है, इसी के चलते अक्षय इंडिया में वोट नहीं कर सकते हैं। अब इसी के चलते अक्षय को ट्रोल किया जा रहा है। लोग अक्षय को ट्रोल करते हुए अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि अक्षय ने वोट क्यों नहीं किया। वहीं एक ट्विटर यूजर ने उनके और पीएम मोदी के इंटरव्यू का भी मजाक उड़ाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देशभक्त की इमेज कैरी करने वाले खिलाड़ी कुमार वोट नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे वजह है उनका कनाडा का पासपोर्ट। अक्षय कुमार को कनाडा की सरकार ने अपने यहाँ की सिटीजनशिप ऑफर की थी। अक्षय कनाडा टूरिज्म के इंडियन ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इसीलिए वो इंडिया में वोट नहीं कर सकते हैं। बता दें कि बीते दिनों ही प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू करने के बाद अक्षय कुमार चर्चाओं में हैं। अक्षय के इंटरव्यू को लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वहीं कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये पसंद नहीं आया कि बॉलीवुड का एक सितारा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा है। लोगों ने इसी के चलते अक्षय को काफी ट्रोल भी किया था। वहीं अब मुंबई में मतदान न कर पाने के बाद भी लोग अक्षय को ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।